आप सबका मेरे चैनल होम एस्ट्रो चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश महाजन, मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ज्योतिष फेडरेशन। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं सूरज और बृहस्पति ग्रह की ज्योति होने पर हमें अलग अलग भावों में क्या इफेक्ट मिलता है, आओ हम जानें। सबसे पहले हम सिंपली जानना है सूरज क्या है और बृहस्पति क्या है। सूरज हमें फेम अथॉरिटी हमारे अंदर का आर्ट पिता को इंडिकेट करता है, जबकि जुपिटर जुपिटर क्या है, जुपिटर हमारी नॉलेज है, एम्बिशंस है, हमारे वेल्थ को इंडिकेट करता है, हमारी फैमिली को इंडिकेट करता है, हमारी मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है सूरज और बृहस्पति का कंजंक्शन, ये बड़ा एक शुभ योग बना गया है। जिस तरह चंद्र बृहस्पति का योग है या सूर्य बुध का योग है, उसी तरह सूर्य बृहस्पति के योग को भी मैं बड़ा बढ़िया योग मानता हूं। सूर्य बृहस्पति का मतलब ऐसे जातकों को अपनी नॉलेज के द्वारा फेम प्राप्त होती है, नॉलेज के द्वारा फेम प्राप्त होती है, या फैमिली मेंबर्स के द्वारा फेम प्राप्त होती है, या अपने फैमिली मेंबर्स कोई उनका पिता बेटा भाई उनके मददगार हो सकता है। ये इनका बहुत बढ़िया करेक्टरिस्टिक है सूर्य बृहस्पति का योग होने पर। यदि ये योग फर्स्ट हाउस में बन रहा है तो क्या होगा, ऐसे जातक अपने नॉलेज के द्वारा प्रसिद्ध होते हैं। ये कोई बहुत बढ़िया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर सकते हैं, जिन्हें अपनी नॉलेज के द्वारा प्रसिद्धि मिलती है। GIS ऑफिसर हो सकते हैं, GIPS बन सकते हैं, जर कोई रिसर्चर भी हो सकते हैं। सेकंड हाउस में यदि ये सूर्य बृहस्पति की ज्योति होगी तो क्या होगा, ऐसे जातकों को अपने परिवार के द्वारा फेम मिलेगी, इनकी स्पीच बड़ी दमदार होती है। थर्ड हाउस में सूर्य बृहस्पति की ज्योति होने पर इनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होती है, जो मास कम्युनिकेशन या मीडिया में बहुत बढ़िया परफॉर्म करने हो सकती हैं। सूर्य बृहस्पति का योग चौथे घर में, इनको माता का सहयोग मिलता है और माता के द्वारा ही इनको प्रॉपर्टी का गेन होता है या जायदाद मिलती है। फिफ्थ हाउस में सूर्य बृहस्पति, ये बहुत बढ़िया आर्टिस्टिक जिनमें क्वालिटीज होती है, ये बहुत बढ़िया कोई भी बहुत बढ़िया ये काम करने की इनमें क्षमता है, ये कोई भी IAS ऑफिसर्स IPS ऑफिसर रिसर्चर बन सकते हैं। सिक्स्थ हाउस में जब सूरज बृहस्पति की ज्योति होगी तो ऐसे जातकों का भाग्य उदय 32 साल के बाद होगा, इनका भाग्य उदय इनके संतान प्रथम संतान होने के बाद होगा, जे इनका लेटर हाफ में इनको फायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सेवंथ हाउस में सूर्य बृहस्पति ऐसे जातकों जातक जनजातिका में इनका पार्टनर बहुत बढ़िया परफॉर्मर होगा, प्रसिद्ध होगा। एट्थ हाउस में सूर्य बृहस्पति ये कोई लिगेसी या इनहेरिटेंस पैतृक संपत्ति को दिलाने वाला बनता है। नाइन्थ हाउस में अध्यात्म में काफी ज्यादा रुचि होगी, अध्यात्म के कामों में इनको फायदा भी होगा, ये किसी धर्म स्थान में कोई प्रबंधक हो सकते हैं। टेंथ हाउस में सूर्य बृहस्पति के ये बहुत बढ़िया इनका कोई भी काम बहुत बढ़िया से चलेगा, ये किसी भी काम में परफेक्ट हो सकते हैं, इनको कोई भी ये कंपिटिशन जीत सकते हैं, जी IAS ऑफिसर IPS NDA का एग्जाम कर सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं, जो किस जिस काम को भी करना चाहेंगे करेंगे, बखूबी कोई भी कंपटीशन जीतना चाहेंगे जीतेंगे। 11th हाउस सूरज बृहस्पति, इनके इनकम के सोर्सेज मोर देन 1 हो सकते हैं, इनको अपने पिता से बच्चों से भी सहयोग मिलता है, इनका बैंक बैलेंस खूब बनता है। 12th हाउस में सूरज बृहस्पति के ऐसे जातकों को विदेश से फायदा हो सकता है, इमिग्रेशन के कामों से फायदा हो सकता है, फॉरेन में इनकी शादी हो सकती है,
सो ये डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में सूर्य बृहस्पति का योग है। आप अपने बच्चों का बर्थ चार्ट देखें कि आपके बच्चों में क्या योग बन रहे हैं, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आप वर्क करें बच्चों पर, तो एक्सातीत रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरा मानना है। सो मैं आप सभी से अपील करता हूँ, आप ओम एस्ट्रो के साथ जुड़ें और अपने बच्चों को इसमें गाइडलाइन दें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको फॉलो करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।